ये रिश्ता क्या कहलाता है शो में फाइनली सीरत को मिल गई बेल, लेकिन अब क्या होगा आने वाले स्टोरी के ट्विस्ट में, आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल यस डेटा न्यूज में और मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट एंड दोस्त काजल सिंह। वेल दोस्तों, अगर हम बात करें ये रिश्ता क्या कहलाता है शो के बारे में, तो शो में आने जा रहा है 6 महीने का लीप। जी हाँ, 6 महीने के लीप के बाद जो है स्टोरी लाइन पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी और इसी के साथ साथ आप जो है शो के अपकमिंग एपिसोड में देखने वाले हैं कि शो में बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। फिलहाल के लिए मैं आपको ये बता दूं कि सीरत को जो है बेल मिल जाती है, कार्तिक की मेहनत जो है रंग लाती है, कार्तिक जो है अपनी दोस्त सीरत को फाइनली जेल से निकालने में कामयाब हो जाता है। वेल, शो के अपकमिंग ट्विस्ट में आप देखेंगे कि सीरत को जो है अब कार्तिक पे मुसीबत नहीं बनना है, जिसके चलते सीरत एक नोट लिखकर कार्तिक ले चली जाती है हमेशा के लिए। कार्तिक को जो है इस नोट में कहती है सीरत की जो है अब मुझे लगता है मैं और तुम्हारा फेवर ना लेते हुए अब तुम्हें टाटा बाय बाय बोल दूँ और पूरे गोयनका परिवार का मेरे ऊपर बहुत एहसान है, अब मैं और उन पर जो है अपने आप को नहीं थोपना चाहती हूँ, अपनी जिम्मेदारी को नहीं थोपना चाहती हूँ, ये कहकर सीरत वहाँ से चली जाती है। वेल, फिर बेचारा कार्तिक ये नोट पढ़कर काफ़ी परेशान हो जाता है, क्योंकि कार्तिक ने जो है मावड़ी और रणवीर को ये प्रॉमिस किया है कि वो जिंदगी भर सीरत का साथ देगा। अब ऐसे में सीरत को कैसे ढूंढेगा कार्तिक? खैर, ये तो 6 महीने बाद ही पता चलेगा कि सीरत और कार्तिक कैसे मिलते हैं और क्या क्या होगा शो में। खैर, ये तो आने वाले वक्त में पता चल ही जाएगा। तो दोस्तों, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कितने एक्साइटेड हैं आप ये रिश्ता क्या कहलाता है कि लीप के बाद में शो को देखने के लिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, ताकि जितनी भी लेटेस्ट अपडेट है मैं यानी कि काजल आप तक सबसे पहले पहुंचाती रहूंगी। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हो तो हमारे पेज को लाइक एंड फॉलो करें, ताकि आपको सारी अपडेट्स जो है सबसे पहले मिलती रहे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।